हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी H2 का, टूर H2 गाड़ी है ये। तो इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। कमर्शियल व्हीकल है ये, और सीएनजी और विदाउट सीएनजी में भी अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हैं इसको तो। और ये कमर्शियल व्हीकल है और साथ में ही आपको विदाउट सीएनजी में भी अवेलेबल है ये गाड़ी। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में इंडिकेटर फॉग लैम्प नहीं मिलते आपको इसमें। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। लोअर ग्रिले जो आपको ब्लैक ही दी गई है इसमें। सीएनजी का स्टिकर दिया गया है, फ्रंट विंडशील्ड पे ही देखने को मिलेगा। व्हील दिए गए हैं इसमें जो कि अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे आपको, स्टील व्हील मिलते हैं। व्हीलों का साइज ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं इसमें, और स्टील व्हील मिलते हैं। व्हील कवर वगैरह नहीं मिलेंगे आपको इसमें। इनका साइज़ देख लेते हैं, तो व्हीलों का साइज़ है 155/80R 13 इंचेस के आपको व्हील दिए गए हैं जो कि स्टील व्हील हैं ये। फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी इसमें। और ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की। रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। टूर H2 गाड़ी है तो उसकी आपको स्टिकर दिया गया है इसमें, रियर में ही देखने को मिलेगा। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। हाई माउंट स्टॉप लैम्प और CNG का स्टिकर दिया गया है। नॉर्मल टेल लैम्प दिए गए हैं इसमें, LED टेल लैम्प नहीं मिलते। और पार्किंग सेंसर इसमें दो ही दिए गए हैं, दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे आपको इसमें। कंपनी फिटेड है ये, स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं पार्किंग सेंसर। और सेफ्टी फीचर्स तो आपको पता ही होगा। बैक डोर खोल लेते हैं, यहाँ पे आपको बूट स्पेस इतना अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा। स्पेयर व्हील और CNG सिलेंडर लगा हुआ है। 60 लीटर की CNG कैपेसिटी है इसमें, यानी 60 लीटर की CNG कैपेसिटी दी गई है इसमें। बूट स्पेस उतना अच्छा खासा नहीं मिल पाता। अगर आप विदाउट CNG लेते हैं तो आपको इसमें 235 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। साइड प्रोफाइल है गाड़ी की बात कर लेते हैं। लेंथ की तो 3695 mm की इसकी लेंथ है। विड्थ है 1600 mm की। हाइट है 1560 mm की। व्हील बेस है 2425 mm का। बात कर लेते ग्राउंड क्लियरेंस की तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। कर्व वेट है इसका 815 kg का, और ग्रॉस वेट है इसका 1250 kg का। टर्निंग रेडियस है इसका 4.70 मीटर का टर्निंग रेडियस दिया गया है। ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफर्सन स्टेट टाइप दिए गए हैं विद कॉइल स्प्रिंग। रियर सस्पेंशन टॉरिजन बीम टाइप दिए गए हैं, टॉरिजन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग टाइप दिए गए हैं रियर सस्पेंशन। और पेट्रोल की माइलेज की अगर हम बात करें तो 23.10 kmpl की माइलेज मिलेगी आपको। पेट्रोल वेरियंट लेते हैं अगर आप तो। इंडिकेटर इसके फेंडर पर दिए गए हैं। साइड मिरर आपको ब्लैक ही मिलेगा। डोर हैंडल भी आपको ब्लैक ही दिए गए हैं इसमें। चारों डोर हैंडल आपको ब्लैक मिलेंगे। और ये दूसरे साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की। दूसरे साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। बात कर लेते हैं CNG माइलेज की तो इसमें आपको 31.76 kmpkg की माइलेज मिलेगी आपको CNG वेरियंट अगर आप लेते हैं टूर H2। बात कर लेते हैं प्राइस की तो इसका एक्चुअल प्राइस है 4,35,000। दिल्ली का ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 4,94,000 इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली। और इसमें आपको अगर CNG कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 10.5 kg CNG आती है इस गाड़ी के अंदर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है इसमें। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 लीटर की है। और इसमें आपको डोर हैंडल तो आपने देख ही लिया। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। और कलर आप देख ही रहे हैं, वाइट कलर है गाड़ी का। पैरलर आर्टिक वाइट कलर है गाड़ी का। और इसमें आपको बात कर लेते हैं रियर डोर के इंटीरियर की तो इसमें चलते हैं। रियर डोर के इंटीरियर में आपको ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है। बोतल रखने का स्पेस, स्पीकरों की जगह है, स्पीकर नहीं है इसके अंदर। अपोस्ट्री की बात करें तो पूरी बीच कलर की अपोस्ट्री दी गई है इसमें। फ्रंट और रियर की सीटें आपको पूरी बीच कलर की मिलेगी। ये टूल किट है आपकी गाड़ी की। यहाँ पे बोतल रखने का स्पेस मिलेगा, 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हैं आप इसमें। लेगरूम बहुत बढ़िया है। और ये टूल किट है आपकी। रियर सीटों के हेडों की अगर हम बात करेंगे तो हाइट एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं रियर सीटों के हेड इसमें।
ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है, और बोतल रखने का स्पेस मिलेगा आपको इसमें। स्पीकरों की जगह दी गई है, स्पीकर नहीं है इसके अंदर। और ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट राइट में आपको। फ्रंट सीटों के हेडों की बात करेंगे तो ये भी आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं। और जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूं तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूं। कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में? तो ये फ्रंट डैशबोर्ड दिया गया है डुअल टोन में, ब्लैक एंड बीच। कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता इस गाड़ी में, जो कि आप देख ही रहे हैं 2H2 में। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी इसमें नहीं दिया गया है रियर के डोरों में, और इसमें आपको ये वाला डोर भी मैनुअल ही दिया गया है, देखिए। और मैप पॉकेट का स्पेस दिया गया है इसमें। स्पीकरों की जगह दी गई है, स्पीकर नहीं है इसके अंदर। ड्राइवर सीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको बैक एडजस्ट मिलती है, ड्राइवर सीट बैक एडजस्ट मिलेगी, हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी ड्राइवर सीट। बेस वेरिएंट है ये। और इसमें आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं, कुछ स्पेस मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस, और यहाँ पे आपको सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही मोड पे आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके लिए स्विच दिया गया है, तो दोनों ही मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कुछ सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो पेट्रोल मोड पे, कुछ सेकंड प्रेस करेंगे सीएनजी मोड पे कर सकते हैं गाड़ी को। और फ्रंट का जो साइड मिरर दिया गया है इसमें, आप हाथ द्वारा इसको एडजस्ट करेंगे, देखिए मैन्युअली। नोब भी नहीं दी गई है इसके अंदर एडजस्ट करने के लिए। की आपको दोनों की नॉर्मल मिलेगी, रिमोट की नहीं मिलती आपको इसमें, नॉर्मल की दी गई है। और बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील के। SRS एयरबैग इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ, 3-स्पोक व्हील के साथ दिया गया है इसमें। टिल्ड स्टीयरिंग नहीं मिलेगा आपको इसमें, टिल्ड स्टीयरिंग नहीं दिया गया है इसमें। और राइट साइड में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिखेंगे। MID देख लेते हैं, तो इसमें आपको पेट्रोल भी शो करेगा और CNG भी शो करेगा। तो मीटर दिया गया है इसमें, डिजिटली मीटर, जो आपको क्लॉक भी बताएगा। कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं, RPM मीटर भी इसमें दिया गया है। और ये आपका AC वेंट्स दो दिए गए हैं सेंटर में। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। मैनुअल AC दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा कुछ स्पेस के साथ। और इसमें आपको बात कर लेते हैं गियर लीवर की। 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ गियर लीवर दिया गया है नॉर्मली, और 2 कप होल्डर रखने का स्पेस भी दिया गया है इसमें कंसोल पे ही। हैंड ब्रेक लीवर भी आपको नॉर्मल ही दिया गया है इसमें, देखिए। और इसमें आपको ग्लो बॉक्स की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस ही है ग्लो बॉक्स। ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है। यहाँ पे आपको नोटिस लिखा गया है जो आप देख रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड लिमिट 80 की स्पीड से अबव नहीं भगेगी ये गाड़ी। जैसा कि मैंने बताया आपको, कमर्शियल व्हीकल है, इसकी स्पीड लिमिट बांध दी गई है। ये वाला डोर मैनुअल ही दिया गया है। मैप पॉकेट का स्पेस मिलेगा आपको, बोतल रखने का स्पेस नहीं दिया गया है इसमें। और इसमें आपको फ्रंट में सनवाइज़र दिया गया है, रीडिंग लैम्प, IRVM के साथ आपको कोड्राइवर साइड सनवाइज़र दिया गया है, साथ में ही ग्रिप असिस्टेंट। चलते हैं इंजन रूम में। तो आगे इंजन रूम में, इंजन रूम में आपको यहाँ पे मीटर दिया गया है, कितनी CNG आपकी फिल हुई है गाड़ी के अंदर। तो आप इंजन रूम में यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी में कितनी CNG फिल की गई है। मीटर दिया है, सुजुकी ने अपना ब्रांड दिया है, सुजुकी की गाड़ी है। ABS दिया गया है इसमें, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। और बात कर लेते हैं इंजन की, तो इसमें आपको 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है, K10B 998 CC का इंजन मिलेगा। बात करें अगर पावर की तो 67 BHP की पावर मिलेगी आपको। 6000 RPM पे अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 90 Nm की टॉर्क मिलेगी 3500 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू सेलेरियो टूर H2 का। ये कमर्शियल व्हीकल है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कमर्शियल पर्पस से ही आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं अगर आप ख़रीदने की सोच भी रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स,
ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए, तो ज़रूर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।